greatest integer function. जब आपको ये पता चलेगा, आपको खुद पर खुद पता चलेगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? यहां ध्यान रखोगे? यस सर, रखोगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर इज रिटन एज दिस, स्क्वायर ब्रेसेस इस्तेमाल होते हैं, ठीक, और यहां से वाई है, ये है फंक्शन, नाम है इसका, जरा इसको पढ़ो, वाई इज इक्वल, क्या पढ़ोगे? वाई इज इक्वल, जैसे पढ़ते हो मॉड ऑफ एक्स, पढ़ते हो ना वाई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, अब क्या पढ़ोगे? वाई इज इक्वल, इसको पढ़ोगे वाई इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ऐसे ही पढ़ना है जो फंक्शन का नाम है, ठीक है? सो इट इज वाई इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, पता है किसी को ग्रेटेस्ट इंटीजर पता है? शायद अगर मतलब ऐसा पॉइंट 1.5 सर्च इसने मां, अगर 1.6 इसने सर्च में 2 इस बार आउट इस पे, अगर 1.4 सर्च में 1 इस बार आउट इसने बोला, और किसी को पता है? शर्म करो, आपने पढ़ा है लास्ट? लास्ट टाइम नहीं पढ़ा है मैंने दोस्तों, पर मुझे मेरे पर लिमिटेड डेरिवेटिव्स हां जवाब में होते हैं। चलो अभी पढ़ते हैं, ठीक है? अब जिस अगर किसने पढ़ा भी होगा ना वो भी गलत बोलेगा, अगर किसने नहीं पढ़ा है वाई इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, बहुत आसान है, लेकिन आप ध्यान रखो ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक? तो यहां पे बात किसकी हो रही है? इंटीजर मतलब जो भी आप एक्स का वैल्यू दे दोगे आउटपुट क्या होगा? इंटीजर होगा। फॉर एग्जाम्पल एक्स थ्री, आपने एक्स का वैल्यू क्या दिया? थ्री, तो बाहर जाके क्या आएगा? थ्री, बिकॉज थ्री इज इंटीजर, थ्री खुद भी एक इंटीजर है, तो बाहर क्या आएगा? बाहर इंटीजर ही आना चाहिए आउटपुट, क्लियर? अगर आपने -5 दिया बाहर क्या आ जाएगा? -5। ऐसा नहीं बोलना मॉडुलस की तरह +5, नो, माइनस प्लस दोनों आता है बाहर, ये बाहर इंटीजर ही आएगा। अगर आपने 0 दिया तो बाहर क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहां से मैंने ये सीखा कि अगर मैं इंटीजर दे दूं तो बाहर क्या आएगा? इंटीजर ही बाहर आएगा। कोई भी इंटीजर आप दे दो, नॉन डेसिमल नंबर, कोई भी नॉन डेसिमल नंबर आप यहां से प्रोवाइड करो इनपुट, तो आउटपुट वही नंबर सेम आएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। यू गॉट इट? आगे चलते हैं। अगर आपने यहां से दिया 2.1, बाहर 2.1 नहीं आएगा, बाहर इंटीजर आना चाहिए। अब कौन सा इंटीजर आना चाहिए? राउंड ऑफ, ठीक है, बोलते 2, क्या होने वाला? 2, तो बाहर तो इंटीजर आ गए। अगर आपने दिया 2.7 तो 3, क्या आएगा? 3 की 2 3 राउंड ऑफ। अब सुनो, 2.1 पे क्या आया? 2.7 पे क्या आया? 3। पहली बात मैं आपको क्लियर करूं कि ये राउंडेड ऑफ नहीं होता है, ठीक है? ये राउंडेड ऑफ नहीं होता है। गो ऑफ कंसेप्ट क्लियर, समझ आवा? ये राउंडेड ऑफ नहीं होता है। तो यहां पे 2.1 का 2 आया, 2.7 का 3 आया, मुझे नहीं पता अभी क्या आएगा, 2 आएगा 3 आएगा, लेकिन एक कॉन्सेप्ट आपको मैं क्लियर करूं, ये राउंडेड ऑफ नहीं होता। अब देखो क्या होता है, ये हमसे कहता है कि जो भी डेसिमल नंबर हो पहले आप ढूंढो वो किस किस के बीच में, किस इंटीजर के बीच में लाई करता है। 5.2 लाइज बिटवीन 5 एंड 6, 5.2 lies between 5 and 6. इनमें से स्मॉलर कौन है? 5 है, सो द आंसर इज 5। सर अगर 5.5, यस मैं बताऊंगा, अगर 5.99 भी आया तो वो तो यहां पे है, बट दिस 5.99 lies between 5 and 6 एंड द स्मॉलर वन इज 5, तो आंसर इज 5। क्लियर, समझ आया? तो इसमें राउंडेड ऑफ नहीं होता, इसमें लेसर वैल्यू होता है। जो भी डेसिमल नंबर हो
चाहे वो 5 के नजदीक हो चाहे वो 6 के नजदीक हो, लेकिन अगर वो 5 और 6 के बीच में है, आंसर इज ऑलवेज 5. यू गॉट इट? अच्छा आप मुझे बोलो 7.9 आंसर क्या आएगा? 7. 18.5 18. 100.222 100. बिकॉज इट्स लाइज बिटवीन 100 एंड 101. स्मॉलर वन इज 100. यू गॉट इट? गोवा क्लियर? सो इफ इट इज 3.218, what's the answer? 3. Because? 3. The lies between 3 and 4, where the smaller one is 3. Okay. Now it is -8.2. What's the answer? -8. Very good. It's -8. It's -9. It is -7. Why is -8.2? Where is -8.2? यहाँ पे है कि यहाँ पे है? यहाँ पे है ना? यहाँ पे है -8.2. आंसर क्या आएगा? -9. क्या आएगा? -9. पहले ये देखो ना कि ये किनके बीच में लाई करता है. It lies between -8 and -9. The smaller one is -9, not -7 or this. ठीक है बेटा, तो -8.2 कहां पे लाई करता? इट लाइज बिटवीन -9 एंड -8. पहले लेफ्ट वाला पॉइंट बोला करो, और जो लेफ्ट साइड पे होता है वो स्मॉलर होता है. -8.2 लाइज बिटवीन -9 एंड -8, द स्मॉलर वन इज -9. सो टेल मी -13.295. It lies between -14 and -13. The smaller one is -14. ये आपको समझ में आ गया? जल्दी जल्दी से करते हैं. तो greatest integer में क्या होता है? Smaller value, smaller integer. ठीक है? और दूसरा होता है least integer function. उसमें greater होता है. Greatest में least value होता है और least में greatest value होता है. ठीक है? अब जल्दी से मुझे बोलो 19. What's the answer? 19. अब जल्दी से बोलो -51. अब जल्दी से -51. अब जल्दी से बोलो 0. ये तो नॉन डेसिमल है, बाहर नॉन डेसिमल ही आएगा. ठीक है? एंड सेम वैल्यू आएगा. क्लियर? अब मुझे बोलो -18.521. -19, because it lies between -19 and -18. The smaller one is -19. ये तो negative आपने सोच लिया. अब positive देखते हैं. Positive में क्या आएगा? 2.48. two. It's two. Simple. Clear? आगे और दिखा. Oh, some is sorry. Yes, sir. I mean, I'm sorry, sir. अभी आपको बहुत समझना है, बस ध्यान. देखो इंटीजर आएगा तो इंटीजर ही वापस आएगा, उन पे हमें ध्यान नहीं देना है. ध्यान देना है डेसिमल नंबर्स पे. 3.2. अगर अच्छा पहले बोला आंसर क्या आएगा? 3. तो इस डेसिमल नंबर में दो पार्ट्स होते हैं. कितने पार्ट्स होते हैं? एक होता है इंटीग्रल पार्ट, दूसरा होता है डेसिमल पार्ट. अगर हम इसको ब्रेक करूं ऐसे, 3.5 को मैं ऐसे लिखता हूं 3 + 0.2, तो ये हो गया इसका इंटीग्रल पार्ट. तो ये हो गया इंटीग्रल मींस इंटीजर, इंटीग्रल पार्ट एंड डेसिमल पार्ट. द आंसर इज दिस इंटीग्रल पार्ट. क्लियर? समझ आया? अब माइनस की बात करते हैं. व्हाट्स द आंसर? -4. ये तो पता है. ठीक है, इसको ब्रेक करके बोलो. -3.2 को ब्रेक करो -3. यस, राइट. -3 -0.2. -3.2 इज -3 -0.2. लेकिन माइनस में मत बोलो, प्लस में बोलो. अब बोलो क्या आएगा. देखो -3 -0.2 सही है. ठीक है, -3 -0.2 सही है, आपने ठीक बोला. लेकिन आप मुझे माइनस में मत बोलो, आप मुझे प्लस में बोलो. प्लस माइनस टाइम हाँ प्लस माइनस टाइम जीरो
वो वही हुआ ना प्लस, वो फिर से माइनस हुआ, माइनस माइनस 3.5 को आप बनाओ, 3.2 को आप बनाओ, लेकिन बीच में क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए, ऐसे आप इसको बनाओ, इट्स माइनस 4 प्लस 0.8 कहां फंस गए, माइनस 4 प्लस 0.8 तो इन दो को सब्ट्रैक्ट करो, मतलब 4 से आप क्या निकालोगे 0.8, वैसा ही सब्ट्रैक्शन, ठीक है, जब इतने बड़े कंसेप्ट होते हैं आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन भूल जाएगा, माइनस 4 प्लस 0.8 यहां पे सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, और 4 में से 0.8 निकालो, 10 माइनस दिस इज 2 और यहां पे बचा 3, इट्स माइनस 3.2, यस क्लियर, समझ आवा, अब आंसर क्या है, इंटीग्रल, सीधे इंटीग्रल, यू गॉट इट, देखो आप ऐसे समझो 3 आएगा इंटीजर, लेकिन हम इनको डिवाइड करते हैं, ब्रेक करते हैं, स्प्लिट करते हैं, कैसे, इंटीग्रल पार्ट एंड डेसिमल पार्ट, द आंसर इज ऑलवेज इंटीजर, मेरी तरफ ध्यान रखो, आंसर क्या है वो आपको ऑलरेडी पता है, उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के लिए हम इसको तैयार कर रहे हैं, किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए हम इसको तैयार कर रहे हैं, तो अगर ये 3.2 है, हम इसको लिखेंगे 3 प्लस 0.2, द आंसर इज 3, इफ इट इज माइनस 3.2, अगर जब भी कभी हम पॉजिटिव फॉर्म में लिखेंगे, किस फॉर्म में, पॉजिटिव, बीच में अगर प्लस आया, द आंसर इज ऑलवेज एन इंटीजर, ये तो बराबर आ रहा है ना, yes, बात समझ में आ रही है, दूसरा कंसेप्ट जल्दी से लिखो, इफ इट इज 5.9 द आंसर इज दिस इंटीजर 5, If it is minus 5.9, the answer is minus 5 minus 1, that is minus 6. ठीक है, सबके आंसर्स वही आ रहे हैं, मैं डिफरेंट अंदाज से बता रहा हूं, एक 5.9 है पॉजिटिव, द आंसर इज दिस 5, एक माइनस 5.9 है, आंसर क्या होगा, माइनस 6, इट इज माइनस 5 एंड माइनस 1, अब बोलो जल्दी से, माइनस 18.9, इट्स माइनस 18 माइनस 1, दैट इज माइनस 19. अब बोलो जल्दी से माइनस 21.9 माइनस 21 माइनस 1 द आंसर इज माइनस 22 यू गॉट इट अब अगर ब्रेक करते हो तो इसको ब्रेक कैसे करेंगे अगर पॉजिटिव फॉर्म में बनाएंगे इट इज माइनस 22 प्लस 0.1 माइनस 22 प्लस 0.1 जब भी यहां प्लस होगा आंसर हमेशा इंटीजर ही होगा यही जो है ना इसको ऐड करना है ना सब्ट्रैक्ट करना है तो आंसर तो वही आ रहा है ना बराबर आ रहा है आंसर वही आ रहा है नहीं आ रहा है ठीक है अब ध्यान रखो तो ध्यान ही होता हूं मुंश इस मगर को नहीं बात मन बोझ दो मेन लेट सी बी इंटीजर लेट सी इज सम इंटीजर एंड एच इज डेसिमल पार्ट ठीक है C is integer, H is decimal part. जल्दी जल्दी देखो अगर C होगा तो C आएगा अगर C प्लस H होगा तो C आएगा ठीक है मैंने अभी बोला ना चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव जब ब्रेक करोगे ना पॉजिटिव फॉर्म में तो आंसर क्या आएगा C आएगा जस्ट लाइक दिस 3.2 इज 3 प्लस 0.2 बीच में पॉजिटिव आया हमने H को डेसिमल ये फ्रैक्शनल पार्ट तो क्या किया एड ठीक है तो आंसर इज 3 अगर माइनस 7.9 हुआ तो इट इज माइनस 8 प्लस 0.1 बीच में प्लस आया तो आंसर तो माइनस 8 ही आएगा यही इंटीजर अब अगर इसको माइनस फॉर्म में लिखेंगे अब ध्यान रखो क्या होगा 3.2 इसको माइनस फॉर्म में लिखो नहीं आता है माइनस फॉर्म बीच में माइनस आप किसको क्या माइनस करोगे किस इंटीजर को माइनस करोगे इट्स 4 माइनस 0.8 अगर प्लस फॉर्म में लिखोगे चाहे वो नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो आंसर तो हमेशा इंटीजर ही होगा अगर सब्ट्रैक्शन फॉर्म में होगा 3.2 क्या आंसर 4 है क्या 3.2 का आंसर 4 है आंसर क्या है 3 मतलब इस इंटीजर को 4 माइनस 1 लिखना है ठीक तो अगर सी सी अगर C प्लस H तो आंसर C ही होगा चाहे वो नेगेटिव नंबर हो पॉजिटिव नंबर हो लेकिन जब ब्रेक करोगे ऐसे और अगर आपने ब्रेक ऐसे किया तो आंसर C नहीं होगा आंसर C माइनस 1 होगा
So this is all for today. Baki ko inshallah to be continued.